नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिता देवी, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका हाई स्कूल जाऊपुरा गंगो से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कक्षा 11 अध्याय 6 और हमारा विषय है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत प्रकरण है नागरिकता, उसमें हम भाग 4 का अध्ययन करेंगे। आज के शिक्षण के महत्वपूर्ण बिंदु हैं नंबर 1 सार्वभौमिक नागरिकता और नंबर 2 विश्व नागरिकता। पहला बिंदु है सार्वभौमिक नागरिकता। जब हम शरणार्थियों या अवैध अप्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो मन में अनेक छवियां उभरती हैं। उसमें एशिया या अफ्रीका के ऐसे लोगों की छवि हो सकती है जिन्होंने यूरोप या अमेरिका में चोरी छिपे घुसने के लिए दलाल को पैसे का भुगतान किया हो। पहला शब्द है शरणार्थी और दूसरा है अप्रवासी। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि जो व्यक्ति अन्य देशों में आकर बसते हैं और अनुमति के साथ रहते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अन्य देशों से आकर चोरी छिपे किसी दूसरे देश की सीमा में रहते हैं और सरकार को इसकी जानकारी नहीं होती है उन्हें अवैध अप्रवासी कहा जाता है। ये घटना क्रम बताया जा रहा है आपको एशिया और यूरोप के देशों का। इसमें जोखिम बहुत है लेकिन वे प्रयास में तत्पर दिखते हैं। किसमें जोखिम है? अवैध प्रवासियों के और शरणार्थियों के रूप में रहने से। इसमें 3 तरह की समस्याएं होती हैं। पहली समस्या ये होती है कि जो अवैध प्रवासी होते हैं उनके लिए निश्चित निवास, सुरक्षा और काम की कोई गारंटी नहीं होती है, इसीलिए ये हमेशा मानसिक दबाव में रहते हैं। सरकारें इन्हें बलपूर्वक अपने यहाँ से खदेड़ सकती हैं या कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी दुर्घटना के बाद उन्हें किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती है। ये कठिनाइयाँ हैं। एक अन्य छवि युद्ध या अकाल से विस्थापित लोगों की हो सकती है। इस तरह की छवियां अक्सर टेलीविजन पर दिखाई जाती हैं। लोग शरणार्थी के रूप में क्यों रहते हैं या अवैध अप्रवासियों के रूप में क्यों रहते हैं, उसके कारण हैं। ये कारण हो सकते हैं या तो उनके देशों में युद्ध चल रहे हों, या अकाल पड़ गया हो, भुखमरी की स्थिति हो, या अंतरिक्ष लहर हो, गृह युद्ध की स्थिति हो, जहाँ पर लोगों के लिए जीवन यापन कठिन होता है, तब वो व्यक्ति जो पीड़ित होते हैं अन्य देशों में शरणार्थियों या अप्रवासियों के रूप में रहते हैं। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थी फिलिस्तीनी, बर्मी या बांग्लादेशी शरणार्थी जैसे कई उदाहरण हैं। हमने बात की थी यूरोप के देशों में भी और एशिया के देशों में भी शरणार्थी रहते हैं और वहाँ से दूसरे देशों में आते भी हैं। उसी का ये विवरण है। सूडान के डरफर क्षेत्र के शरणार्थियों की बात हो रही है, फिलिस्तीन की। जो लोग बर्मा से आए हैं उन्हें बर्मी कहा गया है और जो लोग बांग्लादेश से हैं उन्हें बांग्लादेशी कहा जा रहा है। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अपने ही देश या पड़ोसी देश में शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किए गए हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। म्यांमार और बर्मा में, बांग्लादेश में अंतर्कलह के कारण कुछ लोग वहां से भागकर दूसरे देशों में चले गए हैं। यहां तक कि बांग्लादेश और बर्मा से तो भारत में भी कुछ लोग आकर रह रहे हैं। हालांकि प्रतिबंध, दीवार या बाड़ लगाने के बावजूद आज भी दुनिया में बड़े पैमाने पर लोगों का देशांतरण होता है। सरकारें शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए अपने यहाँ प्रतिबंध लगा देती हैं, दीवार बना लेती हैं या बाड़ या नितार बाड़ के रूप में कुछ व्यवस्थाएं करती हैं। जैसे भारत में कश्मीर और जम्मू के क्षेत्र में विशेष रूप से
ये व्यवस्था है। युद्ध, उत्पीड़न, अकाल या अन्य कारणों से लोग विस्थापित होते हैं। ये मैंने अभी कुछ क्षण पहले बताया है कि विस्थापित होने के कारण युद्ध भी हो सकते हैं, उत्पीड़न भी हो सकता है, अकाल भी हो सकता है, भुखमरी भी हो सकती है। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। अगर कोई देश उन्हें स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है और वे घर नहीं लौट सकते तो वे राज्यविहीन या शरणार्थी हो जाते हैं। अपने देश में ये कारण है, युद्ध है, उत्पीड़न है, अकाल है या अन्य और कोई कारण है, उसी से परेशान होकर लोग एक देश से दूसरे देश की सीमा में प्रवेश करते हैं और स्थिति ये होती है कि वे अपने देश से परेशान होकर तो आए ही हैं, इसीलिए अपने देश में लौटना नहीं चाहते। और कोई देश अगर उन्हें शरण नहीं देता है तो ऐसे में ये लोग शिविरों में रहते हैं। शिविरों की व्यवस्था उनके लिए होती है जो घोषित शरणार्थी होते हैं। इनकी स्थिति अवैध शरण प्रवासियों की तुलना में कुछ बेहतर होती है क्योंकि सरकार उन्हें रहने की अनुमति दे देती है। खराब स्थिति ज़्यादा अवैध प्रवासियों की होती है क्योंकि ये लोग चोरी छिपे रह रहे होते हैं। ऐसे में कोई रोजगार करना और अपने लिए कुछ संसाधन तलाशना इनके लिए मुश्किल होता है। अक्सर वे कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकते और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते हैं। कौन? जो अवैध प्रवासी होते हैं उनकी और शरणार्थियों की ये सामान्य समस्याएं हैं। संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते। समस्याएं ये हैं कि ना तो वो काम तलाश कर सकते हैं क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं और ना ही वो अपने लिए कोई संपत्ति अर्जित कर सकते हैं या संपत्ति बना सकते हैं। समस्या इतनी विकराल है कि संयुक्त राष्ट्र ने शरणार्थियों की जांच करने और मदद करने के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया है। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई और दूसरे विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो उसका उद्देश्य रखा गया संपूर्ण मानव जाति को सुरक्षित रखना। अब शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उच्चायुक्त नियुक्त किया हुआ है। नागरिक के रूप में कितने लोगों को अंगीकार किया जा सकता है, इस सवाल पर फैसला करना अनेक देशों के लिए कठिन मानवीय राजनीतिक समस्या बनी हुई है। अंगीकार का अर्थ होता है स्वीकार करना। शरणार्थियों की समस्या दो तरह की है, एक मानवीय दृष्टिकोण से और एक राजनीतिक दृष्टिकोण से। जब हम मानवीय दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंसान होने के नाते हमें सभी को जीने का अवसर देना चाहिए। लेकिन एक राष्ट्र में राजनीतिक समस्या के तौर पर शरणार्थियों की समस्या ये है कि अगर किसी देश के पास संसाधनों की कमी है, दूसरा अगर उसकी सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा है, यदि उसके पास रोजगार के अवसरों की कमी है, ऐसे में किसी देश का राजनीतिक उत्तरदायित्व होता है कि वह पहले अपने लोगों की उचित जीवन यापन की व्यवस्था करे। और यदि किसी के पास संसाधनों की पहले से ही कमी है, रोजगार के अवसरों की कमी है, तो ये कठिन हो जाता है कि वह अपने नागरिकों के साथ साथ शरणार्थियों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं कर सके कि वो सुलभता पूर्वक जीवन यापन कर सके। अनेक देशों में युद्ध या उत्पीड़न से पलायन करने वाले लोगों को अंगीकार करने की नीति है, लेकिन वे भी लोगों की अनियंत्रित भीड़ को स्वीकार करना या सुरक्षा के संदर्भ में देश को जोखिम में डालना नहीं चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि विभिन्न देशों में शरणार्थियों को शरण देने का प्रावधान है, लेकिन समस्या वही है कि क्या अब उसके पास इतने संसाधन हैं कि वो उनके लिए उचित रहन सहन की व्यवस्था कर सके, रोजगार उपलब्ध करा सके, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या वो विश्वसनीय हो सकते हैं। भारत उत्पीड़ित लोगों को आश्रय उपलब्ध कराने पर गर्व करता है।
ऐसा भारत में 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायियों के लिए किया गया। अभी बात की हमने कि बहुत से देशों में शरणार्थियों को शरण देने का प्रावधान है, भारत में भी ऐसा प्रावधान है। उसका उदाहरण है कि 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा करने का प्रयास किया तो दलाई लामा जो वहाँ के मूल निवासी हैं अपने शिष्यों के सहित भारत आ गए। क्योंकि ये संख्या में कई हजार थे, उसके बावजूद भारत सरकार ने दलाई लामा और उनके शिष्यों को अपने यहाँ शरण दी और नागरिक का दर्जा भी प्रदान किया। भारतीय राष्ट्र की सभी सीमाओं से पड़ोसी देशों के लोगों का प्रवेश हुआ है और यह प्रक्रिया जारी है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसकी आजादी के साथ ही दो राष्ट्रों का अस्तित्व सामने आया, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ लोग वर्तमान पाकिस्तान से भारत में आए। भारत ने उन्हीं सब शरणार्थियों को नागरिकता के नियमों के तहत अपने यहाँ नागरिक के रूप में स्वीकार किया। आज भी बांग्लादेश से, पाकिस्तान के कुछ हिस्सों से और म्यांमार से कुछ लोग भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। इनमें से अनेक लोग वर्षों या पीढ़ियों तक राज्यविहीन व्यक्तियों के रूप में पड़े रहते हैं शिविरों में या अवैध प्रवासियों के रूप में। प्रवासी जहां भी जाते हैं वहां उनके लिए यदि समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो फिर वो सालों साल तक शिविरों और अवैध विभिन्न प्रवासी संस्थान जो बनाए गए हैं या जो बस्तियां हैं वहां पर रहने को मजबूर रहते हैं। अंततः इनमें से अपेक्षाकृत कुछ को ही नागरिकता प्राप्त होती है। ऐसी समस्याएं लोकतांत्रिक नागरिकता के उस वादे को चुनौती देती हैं जो यह कहता है कि समकालीन विश्व में सभी लोगों को नागरिक की पहचान और अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। एक तरफ हम ये कहते हैं कि सभी लोगों को सम्मानपूर्वक मानवीय जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन जब हम सब लोगों को नागरिकता की स्थिति प्रदान नहीं कर पाते हैं तब ये सवाल बेमाने हो जाता है। क्योंकि शरणार्थी जब शिविरों में सालों साल रहते हैं तो अत्यंत दयनीय जीवन जी रहे होते हैं। राज्यविहीन लोगों का सवाल आज विश्व के लिए गंभीर समस्या बन गया है। राष्ट्रों की सीमाएं अभी भी युद्ध या राजनीतिक विवादों के जरिए पुनर्परिभाषित की जा रही हैं और ऐसे विवादों से घिरे लोगों के लिए इनके परिणाम घातक होते हैं। अगर हम दैनिक प्रसारित होने वाले समाचारों की बात करें या अखबार की बात करें तो हम पढ़ते हैं कि सूडान, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इज़राइल कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वहां से आने वाले लोग या विभिन्न देशों की तरफ अपना जीवन सुरक्षित करने के लिए जाने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि पलायन की स्थिति लगातार बनी हुई है। यदि हम ऐसे लोगों पर विचार नहीं करते हैं तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का यह दावा कि वो सभी को सुरक्षित जीवन मुहैया करा पा रहा है अपने आप में हास्यास्पद लगता है। जो शरणार्थी हैं वे अपने घर, राजनीतिक पहचान और सुरक्षा कमाते हैं और देशांतरण के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि जीवन यापन युद्ध के कारण या अन्य कारणों से कठिन हो जाता है तो ऐसे में लोग न केवल अपने राष्ट्रों से पलायन करके दूसरे देशों में चले जाते हैं, उनकी राजनीतिक पहचान समाप्त हो जाती है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो जाता है और अंततः वो अत्यंत कठिन स्थितियों में जी रहे होते हैं। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें विचार करना होगा। हमारा मुख्य बिंदु है विश्व नागरिकता।
निम्नलिखित उक्तियों पर गौर करें। 2004 में दक्षिण एशिया के कई देशों पर कहर बरपाने वाली सुनामी से पीड़ित लोगों के लिए सहानुभूति और सहायता के भावोद्गार फूट पड़े। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। जिस देश में सुनामी आती है वहां समुद्री क्षेत्र के आसपास के लोग ऐसी कठिनाई में आ जाते हैं कि न तो उनके पास आवास बचता है, न उनका परंपरागत रोजगार बचता है, न ही उनके लिए वह स्थान सुरक्षित हो जाता है। तो 2004 में जब दक्षिण एशिया में सुनामी आई तो सारी दुनिया ने उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की। लेकिन 2004 से आज लगभग 16 वर्ष होने को हैं, ये लोग आज भी बड़ी संख्या में प्रवासियों के रूप में विभिन्न देशों में रह रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का ताना बाना आतंकवादियों को जोड़ने में मदद करता है। ये थोड़ा सा ऐसा बिंदु है जिसे आपको इससे हटकर पढ़ना पड़ेगा। सूचना के कारण और सूचना क्रांति के कारण हमारे पास इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं कि एक खबर कुछ ही सेकंड्स में दूसरे देशों तक, दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक फैल जाती है। इस सूचना क्रांति का लाभ जहां मानवता के विकास में सहायक हुआ है, वहीं अपराध करने वाले लोगों के लिए भी सहायक हुआ है, और इससे आतंकवादियों को भी एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिली है। तीसरा, विभिन्न देशों में बर्ड फ्लू के प्रसार और इंसानों में विषाणु जनित महामारी के संभावित उभार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सक्रिय है। बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाला रोग है, लेकिन समस्या ये होती है कि यह तेजी से इंसानों को भी संक्रमित कर देता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से फैलता है, इसीलिए इसके प्रसार ने लोगों के लिए परेशानियां पैदा की हैं। हम आज एक ऐसे विश्व में रहते हैं जो आसपास में जुड़ा हुआ है। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन और सेलफोन जैसे नए साधनों ने उन तरीकों में भारी बदलाव कर दिया है जिनसे हम अपने विश्व को समझते हैं। हमने तीन बिंदु पढ़े और वो समस्याएं क्यों हुई हैं, उसका कारण है आज की दुनिया में इंटरनेट का प्रचलन, टेलीविजन, सेलफोन, जहां सूचनाएं तेजी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दुनिया भर में फैल जाती हैं। पहले विश्व के एक हिस्से की गतिविधियों की खबर अन्य हिस्सों तक पहुंचने में महीनों लग जाते थे, लेकिन संचार के नए तरीकों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों की हलचलों को हमारे तत्काल संपर्क के दायरे में ला दिया है। इंटरनेट के माध्यम से जब सूचनाएं प्रसारित होती हैं तो घटना होते ही इतनी तेजी से वो फैलती है कि कई बार तो उसका प्रसार घातक भी हो जाता है। हम अपने टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं, जिससे विश्व के विभिन्न देशों के लोगों को साझे सरोकार और सहानुभूति विकसित होने में मदद मिलती है। जब हम टेलीविजन की बात करते हैं, जो अब हमारे घरों का एक अनिवार्य हिस्सा हो गया है, तो हम उसके पर्दे पर युद्धों से होने वाले विनाश को भी साक्षात देखते हैं और उसकी विभीषिका के प्रभाव को भी समझते हैं। इससे जहां विश्व में सहानुभूति पैदा हुई है, जहां लोगों को दुनिया भर में एक दूसरे के प्रति जुड़ने का अवसर मिला है, वहीं इससे जो मन स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ा है और लोगों में सहानुभूति विकसित करने में मदद मिली है। विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज एक दूसरे से जुड़ा महसूस करते हैं। सूचना क्रांति के कारण ऐसा परिवर्तन आया है
कि चाहे हम किसी से परिचित हैं या नहीं हैं, लेकिन जब कहीं उन्हें कष्ट में देखते हैं तो हमारी एक स्वाभाविक मानवीय संवेदना उनके प्रति विकसित हो जाती है। विश्व नागरिकता की धारणा के आकर्षणों में से एक यह है कि इससे राष्ट्रीय सीमाओं के दोनों ओर की उन समस्याओं का मुकाबला करना आसान हो सकता है जिसमें कई देशों की सरकारों और लोगों की संयुक्त कार्रवाई जरूरी होती है। सूचना क्रांति का एक लाभ ये हुआ है कि यदि हम किसी समस्या का समाधान करते हैं और उस पर दूर से दूर क्षेत्रों तक विचार करना चाहते हैं तो हम इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आपसे जुड़ पा रहे हैं। ये सूचना क्रांति के विकास के कारण ही संभव हो सका है। ऐसे में अपने विचार व्यक्त करना, एक दूसरे के विचारों से अवगत होना और समस्याओं के प्रति अपनी सामूहिक जिम्मेदारी निभाना अत्यंत आसान हो गया है। उदाहरण के लिए इससे प्रवासी और राज्यविहीन लोगों की समस्या का सर्वमान्य समाधान पाना आसान हो सकता है, या कम से कम उनके बुनियादी अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है चाहे वे जिस किसी देश में रहते हों। हमने बार बार आपको बताया है कि शरणार्थी या अप्रवासी देश में ही विभिन्न हिस्सों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश से दूसरे देश में किसी हिस्से में यदि रह रहे हैं और वो अनुकूल स्थितियों में नहीं हैं जैसा अक्सर उनके साथ होता है, वो अपनी समस्याओं को यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर कहीं उठाना चाहते हैं तो उनके लिए सूचना क्रांति के कारण यह संभव हो गया है। साथ ही साथ वो मूल रूप से जिस देश से जुड़े हुए हैं और जिस देश में प्रवास पर हैं या शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, यदि उनकी सरकारें चाहती हैं कि उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें तो यह भी सूचना क्रांति के कारण आज आसान जान पड़ता है। एक देश के भीतर की समान नागरिकता को सामाजिक आर्थिक असमानता या अन्य मौजूदा समस्याओं से खतरा हो सकता है। शब्द आया है सामाजिक आर्थिक असमानता। किसी देश में, अगर हम भारत जैसे देश की ही विशाल देश की बात करें, तो जहां हम शहरी क्षेत्रों को अत्यंत संपन्न क्षेत्रों के रूप में देखते हैं, कुछ राज्यों में संपन्नता की स्थिति है, वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं, देश के ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां लोगों के लिए जीवन यापन आज भी कठिन है। ऐसी ही स्थिति की बात हो रही है यहां पर। सामाजिक आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता का अर्थ होता है जब लोग जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। और आर्थिक असमानता का अर्थ होता है जब लोग कुछ बहुत अधिक अमीर होते हैं और कुछ लोग इतने न्यूनतम जीवन स्तर पर जी रहे होते हैं जहां शायद उन्हें दोनों समय भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। हमने इस अवधि में जब कोरोना काल अपने शिखर पर था तब देखा है कि जो लोग अन्य क्षेत्रों में जाकर रोजगार करते थे हमारे देश में ही, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ लोग बंबई में, बिहार के कुछ लोग बंबई में काम करते थे, जब वो वहाँ से लौटे तो क्योंकि वो सालों साल से वहीं रह रहे थे तो उनके पास न तो अच्छा आवास था और न ही काम था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उनके लिए अपना जीवन यापन भी कठिन जान पड़ता था। ऐसी ही स्थिति की बात हो रही है आर्थिक असमानता की जब हम बात करते हैं। इन समस्याओं का समाधान अंततः सिर्फ संबंधित समाज की सरकार और जनता ही कर सकती है। सामाजिक आर्थिक असमानताओं के लिए सरकार प्रयास करती है, जैसे भारत के संविधान में ही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग
भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन समाज में फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं। ऐसे ही संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि सरकार नीति बनाते समय सभी व्यक्तियों को न्यूनतम की प्राप्ति हो सके ऐसा प्रयास करेगी। तो सरकारें और जनता दोनों मिलकर ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं अवश्य पूरी हों। इसलिए लोगों के लिए आज एक राज्य की पूर्ण और समान सदस्यता महत्वपूर्ण है। और ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता का स्तर प्राप्त हो। लेकिन विश्व नागरिकता की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्रीय नागरिकता को इस समझदारी से जोड़ने की जरूरत है कि हम आज अंतः संबद्ध विश्व में रहते हैं, और हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें। हमने कुछ क्षण पहले ही अध्ययन किया कि सूचना क्रांति के कारण सारी दुनिया जुड़ चुकी है। ऐसे में नागरिकता पर विचार करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपनी राष्ट्रीयता की सीमाओं के परे जाकर विचार करें। और हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम विश्व के विभिन्न हिस्सों के लोगों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करें और राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों और सरकारों के साथ काम करने के लिए तैयार हों। हमारे लिए न केवल अपने नागरिकों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ विश्व नागरिक होने के नाते हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि दुनिया में कहीं यदि अप्रिय घटना होती है तो हम वहाँ के निवासियों के लिए जहाँ ये घटना हुई है उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, उनसे जुड़ने का प्रयास करें और उनके लिए समान सहूलियतें, समान आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करें। आज हमने क्या सीखा, आइए दोहराते हैं। आज हमने दो बिंदुओं पर विचार किया, एक है सार्वभौमिक नागरिकता और दूसरा है विश्व नागरिकता। आज के व्याख्यान से संबंधित प्रश्नावली है आपके लिए गृह कार्य के रूप में। प्रश्न नंबर एक है, शरणार्थियों की क्या समस्याएं हैं, वैश्विक नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता कर सकती है। दूसरा प्रश्न है, भारत जैसे समान नागरिकता देने वाले देशों में भी लोकतांत्रिक नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही, धन्यवाद।